अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ब्लॉगर के अंदर साइट नेविगेशन स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप थीम की जो एक्सएमएल फाइल है उसे एडिट करें और उसके अंदर टैग्स ऐड करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप जेसन का कोड ऐड करें। तो अगर आपको इसका साइट नेविगेशन स्कीमे का नहीं पता, तो बेसिकली इसका मकसद ये साइट लिंक्स शो करवाना होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी कि आप किस तरह अपनी थीम की फाइल को एडिट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बेसिक एक्सएमएल फाइल ली है, इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी एक फुटर का स्कीमा है शायद। हाँ जी, फुटर का स्कीमा है और साइट नेविगेशन स्कीमा वगैरह नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने ये लाइन ऐड करनी होती है। एक चीज़ और, अगर ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, आपने यहाँ पे नेव की सर्च करनी है। तो ये नैब आ गया, आईडी के सामने ये इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसे कॉपी करना है, आइटम प्रॉप इक्वल टू यूआरएल, और इसे यहाँ पे जहाँ पे ये एचआरएफ टैग है इसके सामने इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो दूसरा है इस यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने एक स्पान का टैग क्रिएट करना है, अगर ऑलरेडी नहीं है तो। अगर अगर ऑलरेडी है तो फिर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपने आइटम प्रॉप इक्वल टू नेम, ये स्पान के आगे इधर ऐड करना है, और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे न्यू टेस्ट और कोड स्निपेट में इसे चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये वर्क कर रहा है। जो आपकी थीम की एक्सएमएल फाइल का डाटा है वो अगर आपको नहीं पता, तो आपको बता दूं कि वो आप यहाँ से जाएंगे थीम में, और यहाँ से एडिट एचटीएमएल, और यहाँ से ये सारा डाटा कॉपी करके नोट पैड प्लस प्लस में पेस्ट करके, और यहाँ से लैंग्वेज एक्सएमएल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं टैग्स नेव वगैरह के। तो ये देखें स्कीमा ऐड हुआ होगा। तो उसके बाद आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चेंजेस करने के बाद, और फिर यहाँ से सेव कर देंगे, और फिर उसके बाद आप होम पेज के यूआरएल टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो रिसेंटली जो न्यू थीम्स क्रिएट होना शुरू हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और आजकल ये इतना ख़ास वर्क नहीं कर रहा। तो उसका तरीका ये है कि हम एक जेसन कोड यूज़ करेंगे। ये कोड भी मैं इधर ये जो वर्ड फाइल है इसके अंदर आप लोगों को दे दूंगा। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें। हाँ जी, अब काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है। वैसे इन चीज़ों के लिए आपको अगर HTML आती हो तो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि HTML के बगैर इन्हें एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से डोमेन की यूआरएल कॉपी करेंगे, इतने से को कॉपी किया और ये example.com के ऊपर पेस्ट कर दिया। हाँ, और www हमारी वेबसाइट का नहीं है, इस वजह से इसे हम ख़त्म कर देंगे।
चलिए उसके बाद इसे टेस्ट करते हैं, तो कोई इश्यूज वगैरह नहीं क्रिएट हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप देखेंगे हमारे मेन्यू के कितने आइटम्स हैं। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट के तो मेन्यू नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा होम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आएगा होम नेम, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, किसी का रैंडम नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलीम इकबाली कर लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये जो लास्ट आइटम होता है ना, इसके सामने ये जो कोमा होता है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं अभी तक भी कोई एरर वगैरह इश्यूज नहीं है इसके अंदर। अब जो पहला है उसे हम होम कर देते हैं, ये होम हो गया। उसके बाद दूसरा पेज जो है इसका यूआरएल प्राइवेसी पॉलिसी कर देते हैं, एंड पे डाटा एचटीएमएल यूज होता है, इस वजह से हम इधर डाटा एचटीएमएल यूज करेंगे। और अब यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल अलीम इकबाल हो गया डॉट एच टी एम एल, हम इसे वैलिडेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है किसी किस्म का भी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने लेआउट में जाना है, यहाँ से साइड बार में कहीं भी, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, और यहाँ से अब एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव। अब आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पे फैच यू आर एल या फिर रन टेस्ट, तो ये हमारा स्कीमा शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी वो सारी यूज़ हो रही हैं। तो ये पेजेस मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐड किए हैं, यहाँ पे आपने जो आपकी अपनी वेबसाइट है उसके जो मेन्यू के पेजेस हैं या आइटम्स हैं वो ऐड करने हैं। अगर इसमें कोई न्यू आइटम ऐड करना पड़े तो उसका तरीका ये है कि आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पे कोमा ऐड करना है, उसके बाद फिर ऐड कर देना है। अगर एक और ऐड करना हो तो फिर इस तरह करके जितने आपके मेन्यू के आइटम है उतने ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ऐसे समझाने की, अगर फिर भी आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।